उत्तरपुर नाम के एक गांव में नीलिमा नाम की एक महिला अपने पति और सास के साथ मिलकर रहती है। नीलिमा की शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। वो एक गरीब घर से थी और बचपन से ही गायों और बकरियों के बीच में ही बड़ी हुई थी, इसलिए नीलिमा को गायों से बहुत लगाव है। नीलिमा के ससुराल वाले भी खास पैसे वाले नहीं है, लेकिन नीलिमा की सासू माँ कामिनी 3 क्लास तक पढ़ाई की थी। कामिनी के लिए उसके जमाने के हिसाब से 3री क्लास किसी बड़ी डिग्री से कम नहीं है, इसलिए वो कुछ ऐसा बर्ताव करती है। डॉटर इन लॉ, मेरी कॉपी वेयर है। हाउ मेनी टाइम्स सेम है मैं मी आप काफी देर से इंतजार कर रही हो, यही कह रही हो ना सासू माँ? मैं अभी आपकी कॉफी लेकर आती हूँ। कामिनी को 3 शॉट से भी कम नॉलेज है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी का शिकार है और ऐसे वो दूसरों का शिकार करती है। हमेशा मॉडर्न रहने की कोशिश करते हुए उसका शिकार हमेशा नीलिमा ही होती है। ये ले लीजिए सासू माँ आपकी कॉफी, चीनी कम और ढेर सारा दूध। लगता है तुम मुझे इतने कम उम्र में ही मार देना चाहती हो, बार बार सासू माँ कह कह कर और दिन के दोपहर को कॉपी देकर। जाकर बाजार से मेरे लिए फ्रेश फ्रूट्स खरीद कर लेकर आओ। ठीक है कहकर नीलिमा बाजार में फल खरीदने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे उसका पति देखकर हैरान हो जाता है। नीलिमा का बासी चेहरा और बिखरे हुए बाल, तकी हुई आंखें देखकर ऐसे कहता है, ये क्या हाल बना कर रखा है नीलिमा तुमने अपना, और बाजार में क्या कर रही हो? आपकी मम्मी जी, मेरी मतलब सासू माँ, सुबह से उन्हीं के आदेशों का पालन कर रही हूँ। अभी अभी उन्हें कॉफी देकर फ्रेश फ्रूट्स लेने के लिए आई हूँ। नीलिमा की बातें सुनकर अजय को हंसी आती है और अपनी माँ की इन हरकतों पर शर्मिंदा होकर उन्हें माफ करने को कहता है। ऐसे दोनों पति पत्नी फल खरीद कर घर लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें एक व्यक्ति एक कमजोर गाय को अकेला छोड़कर जाते हुए नजर आता है। नीलिमा उस गाय को देखते ही पहचान जाती है। ये तो हमारे ही गाय है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है इस व्यक्ति के पास? ऐसे कहते हुए नीलिमा उस व्यक्ति से सवाल करती है। तब वो व्यक्ति कहता है कि उसके पिता ने वो गाय उसे अपने कर्जे के बदले में दी थी, लेकिन अब वो गाय बूढ़ी हो गई है, इसलिए वो अब उसके किसी काम की नहीं है, इसलिए उसे छोड़कर जा रहा है। वो बात सुनकर नीलिमा और अजय को दुख होता है। मुझे बचपन से ये गाय बहुत पसंद थी, इसे अपने साथ लेकर जाते हैं ना, वरना ये बिना वजह मर जाएगी। ठीक है कहकर नीलिमा और अजय उस गाय को अपने घर लेकर जाते हैं। वहाँ पर नीलिमा के सास की अलग ही दिक्कत थी। यो, ये क्या उठा कर लेकर आए हो मेरे घर? लेकर जाओ इसे यहाँ से। ये घर है या तबेला? माँ, ये नीलिमा की गाय है, ये आज भी हमारे साथ ही रहेगी। मना मत करना मेरे लिए और आपकी इंग्लिश के लिए। ऐसे कहते हुए अजय अपनी माँ को मना लेता है, लेकिन कामिनी को वो गाय एक दिन के लिए भी पसंद नहीं आती है और वो हर रोज उस गाय को वहाँ से भगाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढती रहती है। उस गाय को गोबर की कितनी गंदी बदबू आ रही है, मेरी नोसेस बंद हो रही है। कोई मेरी बात सुनकर उस गाय को यहाँ से भगाते क्यों नहीं है? मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी बहू को अपने घर लेकर आई। नीलिमा भी अपनी सासू माँ को कुछ नहीं कह पाती है और उसकी बातें सुनकर सिर्फ दुखी होती है। ऐसे ही एक दिन कामिनी अपने कमरे में बैठकर हेयर ड्रायर से बाल सूखा रही थी, तभी उसके कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। हेल्प
हेल्प, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज, यहाँ फायर लग गई है, हेल्प मी। अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर नीलिमा कमरे के दरवाजे की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए नीलिमा भी कुछ नहीं कर पाती है। तब वो गाय भाग कर आकर दरवाजा तोड़ देती है। तब नीलिमा जाकर कामिनी को बचा लेती है। क्या दिस इज कौ ने मेरी जान बचाई है? इसे अपनी भाषा में थैंक यू कहो। इसे मेरी लाइफ बचाई है, इसलिए ये हमारे साथ ही रह सकती है। ऐसे कामिनी भी उस गाय को अपना ही लेती है। गुंजलवन नाम के एक गांव में पान नाम का एक बैल रहता है। पान एक गरीब समोसे वाला है। वो दिन में 100-200 जो भी कमाता है उसी में खुश रहता है। लेकिन कुछ लोगों की तरह पान बैल भी एक बात से परेशान है। हाँ चाचा जी, मैं सब करके देख लिया, पता नहीं फिर भी मेरी शादी क्यों नहीं हो रहा है। लगता है सच में मेरी किस्मत ही खराब है। तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारा किस्मत ही खराब है, लेकिन सारी गलती तुम्हारी किस्मत ही नहीं है, थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी। ठीक है कहकर पान बेल उस बूढ़े बेल की बात सुनता है। वो बूढ़ा बेल पान बेल को शादी करवाने वालों से वो एक धनवान है कहकर झूठ बोलने को कहता है। लेकिन पान बेल के मन में कुछ सवाल थे और बूढ़े बेल के पास उनके जवाब भी थे। हाँ, पता चलने के बाद 2 दिन गुस्सा होंगे, लेकिन शादी होने के बाद चुपचाप बैठने के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं भी तब भी चलेगा, लेकिन मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करूँगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे कहते हुए पान वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर दो गायें बहुत ही खुश हो जाती है और अपने अपने घरों में जाकर पान से ही शादी करने की जिद करती है। तीखे कहकर उनके घर वाले पान से बात करने के लिए आते हैं। मेरी बड़ी ने तुम्हारी बात सुनी थी आज, उसे तुम बहुत पसंद आए हो, वो तुमसे ही शादी करना चाहती है, अब तुम अपनी मर्जी बताओ। वो बात सुनकर पान बहुत खुश हो जाता है और जट से शादी करने के लिए मान जाता है। टीके कहकर चुन्नी गाय और उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कटी गाय और उसके पिता आते हैं। मेरी बड़ी ने तुम्हारी बातें सुनी थी आज, उसे तुम बहुत पसंद आए हो, वो तुम्हें ही शादी करने की जिद कर रही है, अब तुम अपनी मर्जी बताओ बेटा। कटी गाय भी बहुत सुंदर थी, इसलिए पान चाहकर भी मना नहीं कर पाता है और इस शादी के लिए भी हाँ कर देता है और जैसे तैसे करके चुन्नी और कटी से शादी कर लेता है। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता है। कोई मुझे ये कप चाय लेकर दे सकता है क्या? मैं कब से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वो बात सुनकर चुन्नी और कटी दोनों एक साथ एक एक कप में चाय लेकर पान के पास आते हैं। पान को समझ में नहीं आता है कि अब किसी के हाथ से चाय लेनी चाहिए, इसलिए चाय से बचने के लिए एक झूठ बोलता है। अरे याद आया, मैं तुम दोनों के लिए बाजार से कुछ लेकर आने वाला था, पहले मैं वो लेकर आता हूँ, उसके बाद चाय पी लूंगा। ऐसे कहते हुए पान बाजार में तो चला जाता है, लेकिन उसे क्या खरीदना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहाँ पर गायों का हर सामान महंगा था, फिर भी पान
दोनों के लिए एक एक लिपस्टिक खरीद कर लेकर जाता है। घर पहुंचने पर दोनों पत्नियां उसका एक साथ इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर पान फिर से डर जाता है। इसे पहले दिया तो वो नाराज होगी और उसे पहले दिया तो ये नाराज होगी कहकर। क्या बात है, आप किस सोच में पड़ गए हो? ठीक तो है ना आपकी तबीयत? हाँ, और आप तो बाजार से कुछ लेकर आने के लिए गए थे ना? कहाँ पर है वो सामान? दोनों पत्नियों की बात सुनकर पान फिर से डर जाता है और खरीद कर लाकर आई हुई लिपस्टिक टेबल पर रखकर फिर से कुछ भूल गया है कहकर बाजार में भाग जाता है पान। ऐसे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब उसके पास वो बूढ़ा आता है। मेरे सामने तो अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। सुनने में आया है अब दो दो शादी करके बेटे हो, कैसे चल रहा है जिंदगी? मैंने शादी तो की है लेकिन आपके बताए हुए तरीके से नहीं चाचा जी। मुझे मेरी दोनों पत्नियों से प्यार है और उन्हें भी मुझसे प्यार है, लेकिन हर बार वो दोनों हर काम एक साथ करते हैं। मैं इस बात से डरकर परेशान हूँ कि पहले जिसे भी जवाब दूं, दूसरी वाली नाराज हो जाएगी। वो बात सुनकर बूढ़ा बैल पान को फिर से एक घड़िया उपाय बता रहा होता है, लेकिन तभी अपने पति का अजीब बर्ताव देखकर उसके पीछे आई हुई पत्नियां अपने पति की मुश्किल और अच्छे दिल को समझकर उस बूढ़े बैल को डांटकर पान को घर ले जाते हैं। और वो जो भी सोच रहा है ऐसे कुछ नहीं है, वो चाहे पहले जिसे भी जवाब दे दुखी नहीं होंगे कहते हैं।